साथियों, आप सबसे बेहतर भला कौन समझ सकता है कि नेशन वॉन्ट्स टू नो नेशन वॉन्ट्स टू नो वहां से जो यात्रा शुरू हुई, वहां से नेशन फर्स्ट का ये सफर कैसे तय हुआ है। बीते 5 वर्षों में पूरे देश ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। 5-6 साल तक पहले जनता में और मीडिया में भी सिर्फ सवाल ही सवाल यही चलता रहता था और ऐसा लगता था कि जैसे एक रिकॉर्डेड बुलेटिन चला जा रहा है और बीच बीच में वही बातें रिपीट होती रहती थी। आमतौर पर चर्चा रहती थी हजारों करोड़ के घोटाले, तो दूसरे सप्ताह आता था लाखों करोड़ के घोटाले हैं। कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी जयपुर बम धमाके, कभी नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेड, कभी आसमान छूती महंगाई। यानी एक बुलेटिन खत्म होता था तो अगली तारीख को वही बुलेटिन फिर आ जाता था और उन्हीं सब खबरों के साथ। अब उन हालातों को और परिस्थितियों से देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अब समस्याओं और चुनौतियों से आगे समाधान पर बात हो रही है। दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान होते हुए आज देश अपनी आंखों के सामने देख रहा है और कभी कभी लोग कह भी रहे हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हम जीते जी ये देख पाएंगे, ऐसा कई लोग कहते हैं। और इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, भारत के 130 करोड़ लोगों का आत्मविश्वास जो कहता है यस इट इज इंडियाज मोमेंट। और दूसरा, भारत के 130 करोड़ लोगों की सोच जो कहती है नेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले देश, सबसे ऊपर देश, सबसे आगे देश। साथियों, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले मैंने एक छोटी सी अपील की थी और मैंने कहा था जिससे संभव हो पाए वो अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दें। छोटी सी अपील थी, लेकिन इस अपील के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी। यही तो है नेशन फर्स्ट। जुलाई 2017 के बाद से 63 लाख, उससे भी ज्यादा सीनियर सिटीजन्स जिनको रेलवे में सफर करने पर, यात्रा करने पर सब्सिडी मिलती है, 63 लाख ऐसे पैसेंजर्स जो सीनियर सिटीजन, उन्होंने वॉलेंटियरली उस सब्सिडी को छोड़ दिया। यही तो है नेशन फर्स्ट। आपको याद होगा अपने गांव में शौचालय बनवाने के लिए
105 वर्ष की एक आदिवासी बुजुर्ग महिला ने अपनी कमाई की एकमात्र साधन अपनी बकरियां बेच दी थी, टॉयलेट बनाया और टॉयलेट बनाने की मूवमेंट चलाई थी। यही तो है नेशन फर्स्ट। पुणे के रिटायर्ड टीचर जिन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए अपनी पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर दिया था, क्या ये नेशन फर्स्ट नहीं है? कोई खुद से समुद्र तटों की सफाई का नेतृत्व कर रहा है, कोई गरीब बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें पढ़ा रहा है, कोई गरीबों को डिजिटल लेन देन सिखा रहा है। अनगिनत ऐसी बातें हिंदुस्तान के हर कोने में हैं और वही है नेशन फर्स्ट। साथियों, ये नेशन फर्स्ट राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रत्येक देशवासी का समर्पण है, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव है जो आज भारत को नई ऊर्जा दे रहा है। और इसलिए इस बार की समिट की जो थीम आपने रखी है, इंडियाज मोमेंट नेशन फर्स्ट, वो देश के इमोशन और एस्पिरेशन, यानी कुल मिलाकर आज के देश के मिजाज को प्रतिबिंबित करती है, रिफ्लेक्ट करती है।